पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में कमी का ऐलान कर दिया गया। सदारती तर्जुमान के मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत कैदियों की सज़ा में कमी की। जेलों में मौजूद कैदियों की सज़ाओं में 5वें हिस्से की कमी होगी। 15 साल से कैद 65 साल या जायद उम्र के मर्द कैदियों की बकिया सज़ा मुआफ़ कर दी गई। बयान के मुताबिक 10 साल जायद कैद 60 साल या जायद उम्र की ख़वातीन कैदियों की सज़ा भी मुआफ़ कर दी गई है, जबकि कैद की सज़ा का 3/4 हिस्सा काटने वाले कैदियों की भी रिहाई का ऐलान किया गया है। यौम आज़ादी के मौके पर 20 साल की कैद मुकम्मल करने वाले कैदियों की बाकी सज़ा में मुकम्मल छूट दी गई है। कमी का फ़ायदा सज़ाए मौत, जासूसी, गैंग रेप के मुजरिमों को नहीं मिलेगा, जबकि बैंक डकैती, रियासत मुखालिफ, जना, अगवा और डकैती के मुजरिमों पर भी इसका इत्तलाक नहीं होगा। कराची में डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 28 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस से मुतासर होने वाले अफराद का ताल्लुक शहर के मुख्तलिफ अजला से है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त में अब तक 231 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि रवां साल कराची में 1158 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल रहमान मेमन का कहना था, इस मौसम में ज्यादा कॉमन, मैंने आपको बताया ना, जैसे बारिश का सीजन है, इससे बारिश का पानी जमा होता रहे तो इसमें ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात इसमें इस मच्छर की खूबी होती है कि वो सूरज निकलते हुए और सूरज ढलते हुए ये ज्यादा काटता है। तो उसमें आप कोशिश ये करें कि आप ज्यादा ऐसी जगह पर एक्सपोज ना हो जहाँ पानी वानी खड़ा हुआ हो, या घर पे भी आप पानी वगैरह भर के रखते हैं तो उसमें भी आप ढक के रखें, उसको खुला ना रखें। खुला रखेंगे तो उसमें उस मच्छर की अफजाइश होती है और फिर वो इंसान को काटता है और फिर इसमें ये आपके डेंगू फीवर होता है। महकमा सेहत का बताना है कि कराची के अलावा सिंध के दीगर अजला में भी डेंगू वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 305 हो गई है। एक शहरी मोहम्मद हम्माद का कहना था, ये बारिश की वजह से, जो अभी बारिशें हो रही हैं इसकी वजह से फैल रहा है, और घर के आगे पानी जमा हो रहा है इसकी वजह से फैल रहा है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि सुबह सूरज निकलते वक्त और रात को ग्रुप होते वक्त घर से बाहर ना निकलें, और घर में जो पानी के बर्तन खुले हैं उनको ढाँप के रखें, तो इससे मच्छर नहीं होंगे तो डेंगू भी नहीं फैलेगा। माहिरीन सेहत ने आवाम को हिदायत की है कि तुलुए गुरूब आफ्ताब के वक्त जिस्म को मुकम्मल ढाँप कर रखें, जबकि घर, गली, महल्ले में पानी खड़ा ना होने दें ताकि डेंगू वायरस से बचा जा सके। कराची में फिर बारिश से जलथल एक हो गया। शदीद बारिशों के बायस आज होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। रात गए और सुबह शाहरा फैसल, ब्रिग रोड, जौहर मोड़ के अतराफ तेज़ बारिश हुई। शाह फैसल कॉलोनी, मलिर, एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में मूसलाधार बारिश से सैलाबी रेला यूसुफ गोट में दाखिल हो गया। पावर हाउस चौरंगी से 2 मिनट चौरंगी जाने वाली मरकजी सड़क ज़ेरे आब आ गई। KDA चौरंगी से हैदरी मार्केट तक शाहरा उस्मान पर भी पानी जमा है। मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। दूसरी जानब आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने शहर में शदीद बारिशों के पेश नज़र हफ्ता 13 अगस्त को होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 2022 के आर्ट्स, रेगुलर, आर्ट्स, प्राइवेट और खुसूसी उम्मीदवारों के पर्चे और साइंस ग्रुप के अमली इम्तहानात यानी प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुलतवी शुदा पर्चे अब बरोज़ बुध 24 अगस्त को इन्हीं इम्तिहानी मराकज़ पर पहले से दिए गए शेड्यूल और वक्त के मुताबिक दिए जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल रीशेड्यूल करने के लिए मुतालिका कॉलेजेस को हिदायत जारी कर दी गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भारत की आबी जाहिलियत की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत की हट धर्मी की वजह से हमारे हज़ारों देहात और लाखों एकड़ ज़मीन सैलाब की जद में आ रहे हैं। साबिक सदर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भारत की आबी जाहिलियत की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत के इन ओछे हथकंडों के खिलाफ हर फॉरम पर जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत की इस हट धर्मी की वजह से हमारे हज़ारों देहात और लाखों एकड़ ज़मीन सैलाब की जद में आ रहे हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ने को इंटरनेशनल मुआहदों की खुल्लम-खुला खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए नौजवानों का बेमिसाल किरदार है। सियासतदानों के किरदार कशी का सिलसिला बहुत पुराना है, हालांकि पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था और सियासतदान ही इसकी तामीर करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने इस हवाले से कहा कि मुल्क जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला। ममनुआ फंडिंग केस में वफाकी तहकीकाती इदारे ने तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान को ख़त अरसाल कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई FIA इंक्वायरी टीम की जानिब से ये ख़त लिखा गया है, जिसमें चेयरमैन PTI से बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और स्टेटमेंट्स तलब की गई हैं। FIA ने इमरान खान को मतलूबा रिकॉर्ड के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुख्तलिफ अकाउंट से निकलवाई गई रकूम का रिकॉर्ड जमा कराया जाए। ज़राए के मुताबिक ख़त में चेयरमैन PTI इमरान खान से मकामी कंपनीज और इंटरनेशनल फर्म्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं, जबकि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म की तफसील फराहम करने के लिए भी कहा गया है। FIA हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ममनुआ फंडिंग केस के लिए तश्कील दी गई इंक्वायरी टीम ने इमरान खान को ख़त अरसाल करके तफसीलात तलब की हैं।